हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस समय मैं मौजूद हूं रोहतक शहर में और thesadaknama.com की चुनाव यात्रा आज रोहतक में है। हम यहां से रोहतक के लोगों का चुनावी माहौल क्या है, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं यहां के लोग, तो उसको लेकर के हम यहां दुकानदारों से चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं शहीद भगत सिंह चौक पे। ये शहर का सबसे व्यस्त रोड है, ये कह सकते हैं किला रोड है ये। खास करके दुकानदारों से चर्चा करेंगे कि चुनाव को लेकर यहाँ किस तरह का माहौल है, क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र है और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा की सबसे हॉट सीट इसको कहा जा सकता है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र। और यहाँ क्या सोचते हैं यहाँ के दुकानदार, हम इनसे चर्चा करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से जो लोग हैं वो भी गर्मी में गन्ने के जूस का जो है वो स्वाद ले रहे हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि thesadaknama.com की टीम आज रोहतक में है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हवा सिंह है जी। तो क्या करते हैं सर आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो सर, चुनाव को लेकर क्या माहौल है, लोकसभा चुनाव की बात करें तो? लोकसभा चुनाव की क्या बात करेंगे साहब, माहौल बस दुलमुल सा ही है। हाँ, क्या चाहता है मतदाता रोहतक का? मतदाता ये चाहता है साफ सुथरी सरकार हो, करप्शन नहीं हो, ठीक है नहीं, और लोगों की भलाई के लिए काम किया जाए। काम जो पहले पास हुए तो वो हुए, उसके बाद एक्स्ट्रा काम तो कोई हुआ नहीं जी। जैसे एलिवेटेड पुल था वो बनाया, सरकारी सफाई व्यवस्था थी, जो पहले वाला काम वही चल रहे हैं। नया कुछ नहीं, नया कुछ पिछली सरकार ने जो मंजूर किया इन्होंने, नया कुछ नहीं किया। एक एलिवेटेड लाइन का कराया, एलिवेटेड लाइन पहले उधर से निकलनी थी, वो इधर से निकाल के उजाड़ा ये दुकानदारों को। मीर सिंह है जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव बाबा कपूरपुर। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव का तो भाई बखिए माहौल हुआ था, इधर तो टाइम रह रहा है, बदल जा वही बदलोगे ये रहा है जी। तो मतदाता क्या चाहता है रोहतक का? है रोहतक का मतदाता क्या चाहता है? मतदाता तो भाई दीपेंद्र वाले दीपेंद्र ने चाहे हैं, बाकी मोदी वाले मोदी ने चाहे हैं। तो किस किस के बीच रहेगी टक्कर? टक्कर तो इन गिर होगी। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। क्या करते हैं आप? मैं जॉब। चुनाव को लेकर क्या माहौल है, लोकसभा चुनाव की बात? हुड्डा के साथ हैं, हुड्डा के साथ। यहाँ कुछ काम हुआ है रोहतक में आपके? काम नहीं हुआ, कुछ नहीं करें, सारी गली कच्ची पड़ी है, पानी सीवर टूटे पड़े हैं सारे। नहीं, कोई आइडिया नहीं अभी। डेवलपमेंट तो कराई ना जी, जी। ये है हाँ जी, और कांग्रेस की सरकार आने चाहिए। अच्छा हाँ, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से यहाँ से तो देखो कांग्रेस का ही आएगा अगर रोहतक की बात करेंगे, और नेशनल की बात करेंगे तो बीजेपी आएगी। यहाँ से कांग्रेस और जो देश में बीजेपी का ही ज्यादा आएगा। चुनाव का अभी तो कुछ भी माहौल नहीं है, आएगा जैसे जैसे माहौल, अभी चुनाव का अगर नजदीक आएगा तब माहौल बनेगा। रोहतक का मतदाता क्या चाहता है? हैं? क्या चाहता है रोहतक का मतदाता? का मतदाता चाहता है यहाँ खुशी हो, खुशहाली हो जी। बस। अनिल शर्मा। तो शर्मा जी, चुनाव को लेकर क्या माहौल है रोहतक का? चुनाव को मोल रह के ये मोल है, अभी तो बीजेपी ने कोई अपना कैंडिडेट का नाम लिया ही नहीं है कोई भी जी। और अपने यहाँ हरियाणा से दीपेंद्र जी है जो सांसद हैं यहाँ से पहले भी, और उन्हीं को उम्मीद है वही आगे आएंगे जीत में। तो मतदाता क्या चाहता है, कांग्रेस या बीजेपी? ये वो जो कांग्रेस ही चाह रहे हैं बीजेपी में, एक तो ये हमारी पार्किंग नहीं हट पाई यहाँ से किला रोड की जी। तो यही सोच रहे हैं किला रोड वासी भाई दीपेंद्र को वोट दे और ये यहाँ किला रोड पे साफ सफाई हो ज़्यादा। तो ये थे मेरे साथ इस रोहतक के किला रोड के दुकानदार, जिन्होंने अपनी अपनी राय बेबाकी के साथ रखी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।